निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के कार्य बहिष्कार के बाद उत्पन्न हालात का मंगलवार को प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि किसी भी स्थिति में विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अधिकारी प्राइवेट लाइन मैन के साथ टेक्निकल स्टूडेंट से भी सहयोग ले सकते हैं। गोरखपुर NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, प्रभारी जिलाधिकारी व CDO इंद्रजीत सिंह, SSP जोगिंदर कुमार, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, मुख्य अभियंता विद्युत देवेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हमारे यहाँ हड़ताल लोग ज्यादा कुछ किए हैं और जो अधिकारी हैं वो अपने लोगों को डरा करके ऐसा कुछ खराब कर दिया है तो उसको ठीक हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ज्यादा यूजफुल रात के लोग हैं नहीं हो पा रहे हैं। रात में कुछ प्राइवेट लोगों को हमने तलाश किया था, उनसे कुछ फीडर चालू कराए, लेकिन उसमें भी बीच बीच में खराबी याद आ रही है। मेडिकल अस्पताल का फीडर चालू करा दिया, सुबह अस्पताल की लाइट आ रही है। हमारे पास अच्छा, ये क्यू आर कोड को भी समाधान कराना होगा तो